वेलकम स्टूडेंट्स इस सेशन में हम बात करेंगे कॉमर्शल बैंक के अदर फंक्शंस कॉमर्शियल बैंक के अदर फंक्शंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस करा था फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक और यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अदर फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक मेन फंक्शन जो थे वो प्रीवियस वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ अब अदर फंक्शन के बारे में हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करते हैं फर्स्ट पॉइंट जो बता रखा है अदर फंक्शंस मतलब बाकी के जो फंक्शंस है कुछ इंपॉर्टेंट रोल कुछ अदर रोल प्ले करती है कॉमर्शल uh, बैंक वो कौन कौन से होंगे वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं फर्स्ट है इंटरनेट बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग का सिस्टम का ये बताया गया कि ऐसा सिस्टम इंटरनेट बैंकिंग का जिसमें 24 फोर इंटू सेवन हावर्स यहाँ पे बैंक इंटरनेट बैंकिंग के सर्विसेज देती है नेट बैंकिंग की सर्विस देती सर्विस देती है जिसपे आप uh, घर से ही होम घर पे बैठे ही आप है ना किसी भी ट्रांजेक्शन को कंडक्ट कर सकते हैं बाय नेट बैंकिंग थ्रू बाय इंटरनेट बैंकिंग और इसमें आपके लॉग इन एंड पासवर्ड की जरूरत होती है कस्टमर की और वो सीक्रेट रखने का यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सो फर्स्ट पॉइंट है इंटरनेट बैंकिंग कॉमर्शियल बैंक प्रोवाइड इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज कॉमर्शियल बैंक प्रोवाइड करती है इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज इं टू ट्वेंटी फोर इंटू सेवन आवर्स ट्वेंटी फोर इंटू सेवन आवर्स इन दिस ओ टी पी ये ओ टी पी है ओ टी पी इशूज़ ओ टी पी इशू करा जाता है लॉग इन आई डी पर और पासवर्ड इशू करा जाता है कस्टमर को और उसके ऊपर सीक्रेट बनाए रखने का यहाँ पे बताती है जो कमर्शियल बैंक होती है सेकेंड जो पॉइंट है ए टी एम फैसिलिटी ऑटोमेटिक टेलर मशीन की फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी बैंक्स इसमें आप कभी भी पब्लिक प्लेस पर ए टी एम सेंटर्स होते हैं वहाँ पर आप ट्वेंटी फोर हावर्स कभी भी आप जाके पब्लिक प्लेस पे विड्रॉ uh, कर सकते हैं कैश को ए टी एम मशीन्स पर जो बैंक के द्वारा प्रोवाइड करी गई होती है तो फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट हमारा इंटरनेट बैंकिंग है सेकेंड पॉइंट इस ए टी एम ए टी एम मशीन्स के थ्रू आप कैश uh, को विड्रॉ करना इसके अंदर यहाँ पे बहुत सिंपल मेथड है एटीएम का जिसमें आप कैश ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे डन कर सकते हैं बैंक के द्वारा फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई होती है ये नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा बताया गया थर्ड पॉइंट मोबाइल बैंकिंग सिस्टम मोबाइल बैंकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप के थ्रू मोबाइल स्मार्टफोन ऐप के थ्रू आप जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं स्मार्टफोन ऐप के थ्रू या आईओएस वर्जन के थ्रू डाउनलोड करके मोबाइल बैंकिंग सिस्टम कंडक्ट कर सकते हैं इसके अंदर आप कस्टमर से कस्टमर कैन डाउनलोड मोबाइल ऐप फ्रॉम पे स्टोर टू गेट द बेनिफिट ऑफ द फैसिलिटी फैसिलिटी बेनिफिट ले सकती है जो फैसिलिटी है मोबाइल ऐप का और इसके अंदर ये बताया गया है कस्टमर्स सिंपली इजीली ट्रांजैक्शन कर सकता है हाउस से अपने घर से या कहीं पे भी जहाँ पे भी हो मोबाइल के थ्रू मोबाइल बैंकिंग सिस्टम से कर सकता है इसके लिए अलग अलग ऐप है जैसे पे ऐप है फोन पे ऐप है जी पे गूगल पे ऐप है एक्सेक्ट्रा वगैरह वगैरह इस तरीके के मोबाइल बैंकिंग ऐप होते हैं और ये फैसिलिटी भी इसमें इंक्लूड होती है जिसमें आप कॉमर्शियल बैंक प्रोवाइड करा देती है फोर पॉइंट है लॉकर फैसिलिटी यहाँ पे लॉकर फैसिलिटी थोड़ा अलग अदर फंक्शन हो गया लॉकर फैसिलिटी का मतलब क्या हो गया एक सर्टेन पीस इसमें कॉमर्शियल बैंक लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है इसके अंदर वैल्यूएबल ज्वेलरी प्रॉपर्टी पेपर्स लीगल पेपर्स सेफ कस्टडी में रखे जाते हैं और उसके अंदर जो जो काम करा जाता है कि लॉकर फैसिलिटी के अंदर यहाँ पे लीगल पेपर को आप बैंक के अंदर रख सकते हैं लॉकर के अंदर इस तरह की लॉकर फैसिलिटी हर बैंक प्रोवाइड कराता है जो कॉमर्शल बैंक है और लॉकर फैसिलिटी एक फ्लेक्सिबल फॉर्म में फैसिलिटी है जिसके थ्रू आप इजीली बैंकिंग बैंक के अंदर अपने जो इंपॉर्टेंट पेपर्स ज्वेलरी प्रॉपर्टी पेपर्स, पेपर्स लीगल पेपर या मोस्ट को आप यहाँ पे कस्टडी में रख सकते हैं लास्ट जो पॉइंट है वो है क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी क्रेडिट कार्ड में डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी इस तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड करती है बैंक बैंक प्रोवाइड बैंकिंग फैसिलिटी टू कस्टमर इट बाय मीन ऑफ क्रेडिट कार्ड दे यूज एनी टाइम एंड पेमेंट इन द बैंक बैंक से पेमेंट करने में इजीली क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं तो ये फाइव जो है मेनली अदर फंक्शंस है इनको हम अदर फंक्शंस कहते हैं जो कॉमर्शियल बैंक यहाँ पे कंडक्ट करती है अदर एक्टिविटीज़ या अदर फंक्शंस के रूप में थैंक यू